लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दे रही हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी है जो एक बार फिर अब की बार मोदी सरकार का राग अलाप रही है। लेकिन इन सब के बीच सुर्खियों में रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, जिन पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। हम उन्हीं मायावती की बात कर रहे हैं जिन्होंने सूबे में बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन पिछले 3 चुनावों में हार का ऐसा मुंह देखा कि लोकसभा में एक भी सीट नहीं ला पाई, लेकिन अब धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है। यूपी के उपचुनावों में मिली जीत से मायावती ये समझ चुकी है कि बिना गठबंधन किए जीता नहीं जा सकता है, जिसके बाद बीएसपी ने अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कर्नाटक में कांग्रेस की बजाय क्षेत्रीय दल जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एक सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को झटका देते हुए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चतुर मायावती किसी भी कीमत पर महागठबंधन की कमान राहुल गांधी के हाथों में जाने नहीं देना चाहती है, तो वहीं पार्टी के अंदर से भी मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने की आवाज उठने लगी है। ऐसे में बीएसपी क्षेत्रीय पार्टियों को तो तवज्जो दे रही है, लेकिन देश पर 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस को पूछ तक नहीं रही है। मायावती ये बखूबी जानती है कि विपक्ष की ओर से किसी भी दल को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है जिसके दम पर वे सरकार बना ले। ऐसे में मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन बेहद जरूरी है, लेकिन कहीं राहुल गांधी गठबंधन की कमान न संभाल ले, इसलिए मायावती अभी से कांग्रेस को साइडलाइन कर गठबंधन में खुद का दबदबा कायम करने में लगी हुई है।